अस्सलाम वालेकुम जी, दीन और दुनिया के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल मैं मस्तियां कर रहा था और वो मस्तियां बड़ी ज़रूरी हैं कभी कभी, बिकॉज सीधी बात जब समझ में नहीं आती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बट एनीवे, डॉक्टर नुज़ार साहिबा मेरे साथ मौजूद है। आज पूरी दुनिया में वाटर डे मनाया जा रहा है। वाटर डे क्यों मनाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो डेज मनाए जाते हैं वो उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए, बिल्कुल लोगों की सेंसिटिविटी क्रिएट करने के लिए। जबकि हम ये कहते हैं कि पानी का एक दिन क्यों, हर दिन पानी का दिन। सॉरी जी, इट्स ओके। तो पानी जो है वो लाइफ है, नो लाइफ विदाउट वाटर। जब ज़िंदगी ढूंढी जाती है दूसरे प्लैनेट्स पे, तो पानी तलाश किया जाता है। जहाँ पानी ज़िंदगी है वहाँ पानी मौत भी है। अगर अनसेफ वाटर पी लिया जाए, आपने पिछले कई दहाइयों से सुना होगा कि लोग वाटर बॉर्न डिजीज़ के साथ, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई, बहुत सारी डेथ एंड कैजुअलिटीज़ जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली जो ज़िंदगी है वो पानी है। सो ट्रू। और इस साल की जो थीम है वो वाटर फॉर पीस। हमें वो अमल, वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम जो वाटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मिटिगेट कर सकें और उनको एड्रेस कर सकें। पानी का मसला ग्लोबली भी है, रीजनली भी है, कंट्री नेशनली नेशनल वाइज भी है, और गली मोहल्लों और चीज़ों के साथ भी है। हम मेरे ख्याल एक और प्रोग्राम इससे पहले कर चुके हैं पानी के कंजर्वेशन पे, क्यों ज़रूरी है पानी, हमारे मज़हब में पानी की बेजा इसराफ को, ज़ाया को किस तरह उजागर किया गया है। ये हम रिपीटेडली ऑलमोस्ट हर एपिसोड में हम बात करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारा मज़हब जो है वो बहुत मॉडर्न मज़हब है। जो बातें आज हमें सिखाई जा रही हैं, हमें सालों सदियों पहले इस सारी चीज़ों की आगही दे दी गई। कंजर्वेशन के बारे में बता दिया गया था, चाहे आप बहते दरिया के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन पानी उस वक्त भी ज़ाया करने की इजाज़त नहीं है। तो जब इतना जामे मज़हब हो और ये रमज़ान हो और वाटर डे हो, तो किसको इसकी अहमियत से इनकार हो सकता है? और वो कौन होगा जो डिनाई करेगा कि वाटर कंजर्वेशन नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल। और एक ना बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है हमारे पास जी, जो सीमा मैम ने भी बनाई थी। आप लोगों ने सबने मिलके उस पर काम किया होगा। और जी बोले बोले। नहीं नहीं, आप कहिए। नहीं नहीं, आप बात नहीं, आप कहिए, फिर मैं इंडोर्स करती हूँ चीज़ों को। चलें पहले पैकेज देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू। लेकिन मैं पैकेज देखने के साथ साथ एक और बात जो मुझे TV1 की बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं मीडिया पर्सन नहीं हूँ, लेकिन इस TV1 के साथ मैं मीडिया पर्सन बनी हूँ। वजह ये नहीं है कि मुझे कोई प्रोग्राम या यहाँ बैठने का जो साइंटिफिक इंडोर्समेंट है वो मैंने किसी और चैनल पर देखी नहीं है। ये पानी की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ आप देखेंगे, ये कुछ साल पहले बनाई गई थी, और इसकी अहमियत के बारे में कि पानी जो है वो एक ख़जाना है और इसको हमें बचाना है, ये टैगलाइन रही है। तो इससे अच्छा चैनल इन चीज़ों को जिक्र करने का मैंने देखा नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। आए हैं, देखते हैं, सब देखते हैं फिर। पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज मीन एनुअल रिवर फ्लो 150 mAf, ग्राउंड वाटर 50 mAf, surface water from fresh water bodies no figure existing, rainfall Pakistan water use division 96% agricultural usage, 4% urban usage. Threats to water: climate change, global warming, fast multiplying population, increasing water demand, pollution of surface water bodies, politicization of available water resources, mismanagement, water loss due to lack of vision and strategy on water, water's potential for sustainability and poverty alleviation not harnessed, groundwater depletion, no harnessing of rainwater efficiencies, lack of widespread agri reforms to cut down excessive usage. Kar lo tum pani se pyaar, हर सूरत इसे बचाना है, पानी एक खजाना। जी हाँ, अगर हमें समझ आ जाए ना कि पानी एक ख़ज़ाना है, तो आपको कदर होने लगेगी। और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ आप जाते हैं और आप देखते हैं, ख़ास तौर से हमारा जो
ये जो सिंध का एक सर्टन इलाका है और पंजाब का भी, वहाँ पे लोग जो पानी पीते हैं, जिस पानी के साथ वो गुजारा करते हैं, जितना पानी की वजह से थर के बहुत सारे इलाकों में लोगों को परेशानियाँ लाहक हैं, क्योंकि बारिशें नहीं होती और अक्सर व बेशतर वहाँ पे बेचारे जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, तो आपको वाकई कदर आए। जिस तरह हम, मैं कल बकवास कर रहा था, मैं यही कहूँगा कि सड़कों पे गाड़ियाँ धोते हैं, पागलों की तरह पाइप लगा के पौधों को पानी दिया जाता है, बेड़ा गर्क किया जाता है, तो खुदा के वास्ते यार, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम बहुत बुरी तरह ज़ाया कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने हालात नहीं देखे हैं, अभी पूरी दुनिया में पानी को लेके इतना काम हो रहा है कि वो कोशिश इसमें है कि वो किसी तरह से रिजर्व करें। हम इतने बदकिस्मत लोग हैं, मैं ये बात बड़े खुल के कह रहा हूँ, पिछले कुछ 4-5 सालों में अल्लाह ताला ने अरबों खरबों रुपए का पानी इस शहर को दिया है, अरबों खरबों रुपए का पानी हमने ज़ाया कर दिया, नालों में बह गया, समंदर में वापस डाल दिया, ज़मीन पी गई, ख़त्म कर दिया वो पानी। ना हमने कोई झीलें बनाई हैं, ना हमने उस पानी को रिज़र्व करने के लिए कोई जगह ऐसी क्रिएट की है कि वो जो बारिशों का पानी है वो जाए एक जगह जाके जमा हो, या कहीं 10 जगह पे जमा हो और उसको फिर, और फिर जिस तरह से हम लोगों ने चोक किए हुए नाले, आई रिमेम्बर जब 2018 वाली जो बारिश थी, उसमें जिस तरह से जब नाले साफ किए थे तो किस कदर कचरा निकला था। देखिए, जो आप कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इंतहाई गैर जिम्मेदार कौम है। मैं ये नहीं कहती कि जी हमें पता नहीं है, हमें पता है, लेकिन हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। मुझे बहुत सारे सवाल पहले के बाद कुछ आए भी, कुछ लोगों ने पूछे, कुछ बच्चों ने पूछे, करना क्या चाहिए, सीखना कैसे चाहिए। तो मेरा ख्याल है सीखें उनसे जिनके पास दिन में एक वक्त पानी आता है। अगर उन्होंने टैंक नहीं भरा तो वो पूरे दिन जिस तरह स्टाफ करते हैं, उनके वॉशरूम्स, उनकी कुकिंग, उनकी चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं। तो मेरा ख्याल है उन गली मोहल्लों में जाएँ जो लंबी लंबी कतारों में जाके और एक बाल्टी पानी के लिए वो लगते हैं, उनसे बेटर कंजर्वेशन किसी को नहीं पता। थर अगर आप चले जाएं, 10-10 किलोमीटर वो औरतें exactly, चल के जाती हैं, वो हम किस तरह पानी भर के लाती हैं, और वो सिर्फ चल के नहीं जाती, वो क्या कुछ सेक्रीफाइस करती हैं। वो बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि उन्हें पानी भरना होता है। ओए, 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 ओए। उनकी आप सेहतें देखें, उनकी चीज़ें, और फिर उनको तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो है उनके लिए मैटर करता है। एक जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारे यहाँ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं है। हमारा एक ही सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है, हमारे पास कोई बहुत सारे दरिया नहीं है, एक दरिया है जो पूरे मुल्क को सराब करता है। इससे ज़्यादा जो वर्स्ट सूरत हाल है वो बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान में बारिशें बहुत कम होती हैं और उसके अलावा वहाँ पे दरिया नहीं है, और जो दरिया हैं वो जब तक बारिशें नहीं हों, स्नोफॉल नहीं हो, वो सराब नहीं होते। तो बलूचिस्तान में जो पानी का क्राइसिस है, हमारा, हम गवादर जाते रहे और गवादर में कीड़ों वाला लिटरली लोगों को पानी मैंने पीते देखा है। उसको वो कपड़ा लगा के छानते हैं और वो पीते हैं क्योंकि अल्टरनेटिव कोई नहीं है। अब थोड़ी सी कुछ कनेक्टिविटी कुछ, लेकिन वो सारा पानी ख़रीदा जाता है। आप सब छोड़िए, DHA चले जाइए, पानी ख़रीदते हैं। पोश एरिया है इस वक्त कराची का सबसे, लेकिन उन लोगों से जाके पूछिए कि पानी क्राइसिस क्या होती है। जब जेब से टैंकर्स डलवाने पड़ते हैं तो एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर की वैल्यू होती है कि यार ये पैसों से ख़रीदा ना करो। तो ये 3000 का गैलन इस वक्त 8000 का हो गया। एग्जैक्टली, तो जब 8000 रुपये और उसका अगर एक बाल्टी, एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी अगर ज़ाया करना हो, हम कुछ लोग ऐसे हैं, हम कहते हैं कि जी जब सर्दी आती है तो गर्म पानी के लिए आपको काफ़ी पानी बहाना पड़ता है, तो वो बाल्टियाँ भरते हैं जिसके साथ वो फ्लश करते हैं, क्योंकि वो ज़ाया नहीं कर सकते क्योंकि ख़रीदते हैं। तो एक तो ये है कि हम गरीब मुल्क हैं, हम अपने रिसोर्सेज को कंटेन नहीं करते, कंजर्व नहीं करते, जबकि जो अमीर मुल्क हैं जिन, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उसके पास पानी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैप पे जाके देखें तो सबसे ज़्यादा पानी ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है, स्वीडन है, नॉर्वे है। लेकिन जब मैं वहाँ जब पढ़ने गई तो मैंने देखा, पहली दफ़ा मैंने मीटरिंग जो थी वो ऑस्ट्रेलिया में देखी। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, दुबई में या मिडल ईस्ट में आपको मीटरिंग नज़र आती है क्योंकि वहाँ तेल से ज़्यादा महंगा पानी है, वो सारा डिसलाइन करते हैं और उनके पास अल्टरनेट रिसोर्स कोई नहीं है इसके अलावा, तो पानी की मीटरिंग है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जहाँ पे बहुत पानी है, उनके यहाँ मीटरिंग, और हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ एक लमसम बिल आ जाता है, हम 200 रुपये दे के फारिग हो जाते हैं कि चलो जी। लेकिन अगर हमारे
मीटर्स लग जाएं तो लोगों को लग पता जाए बिजली की। मीटर तो लगे हुए हैं पानी के, हम तो बिल भी दे रहे हैं पानी का, मतलब साल पानी का टैक्स देते हैं, गैस के बिल देते हैं, आता कुछ नहीं है। नहीं लेकिन पानी टैंकर चलाने हैं मैम, टैंकर चलाने हैं वो, वो माफिया है। क्यों दे रहे हैं ये ऐसे पैगामात कि पानी बचाओ पानी बचाओ? देखिए पानी अगर नहीं बचाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? वाह क्या बात है। पानी हमने रिपीटेडली कहा लाइफ है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम ये समझते हैं कि पानी इन्फिनिट है। यस अल्लाह ताला ने इसको बड़ा सस्टेनेबली, हमने जिस तरह पहले बात की कि काफ़ी हिस्सा समंदर में और फिर ग्लेशियर्स में, कि जैसे जैसे हमें ज़रूरत होती जाएगी ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और हमारे नदी नाले दरिया को सराफ किया जाएगा। ये एक नेचर का सस्टेनेबल सिस्टम है। हो ये रहा है कि हमने हमारी जैसे एक तो पॉपुलेशन, अब हम 8 बिलियन हो गए हैं और 8 बिलियन की अगर सिर्फ ड्रिंकिंग की रिक्वायरमेंट पूरी कर लें तो बड़ी बात है। कितने लोग हैं, 10 में से 9 लोग जो हैं दे आर स्टार्विंग विद क्लीन सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग अराउंड द वर्ल्ड। कहते हैं तीसरी जंग अजीम जो होगी वो पानी के लिए होगी। तो पानी को एक सस्टेनेबल तरीके से इस नेचर ने इसको कंजर्व किया हुआ है। लेकिन जो हमारी ज़रूरतें हैं वो मल्टीप्लाई हो गई हैं सेवरल लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड। एक तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फिर दूसरे इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और फिर इन सारी जो 8 बिलियन लोग हैं उनको खाना चाहिए। तो एग्रीकल्चर क्रॉप की इन्हांसमेंट हो गई है। अभी हम देख रहे थे कि 90%+ जो पानी है वो हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, जिसको हमने पहले भी कहा कि हम बहुत सारा पानी खाते हैं जी। याद है हमने यही रिपीटेडली बात की है कि हम बहुत सारा पानी खाते हैं। हमें ऐसी एग्रीकल्चर क्रॉप्स लगानी चाहिए जिसमें पानी कम से कम इस्तेमाल हो। ये आज के दिन का हमारे फार्मर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो क्रॉप्स का सिलेक्शन करें, क्योंकि हमें पानी बचाना है और पानी एक ख़जाना है कि जिसमें कम पानी के साथ हम ज़्यादा खुराक को उगा सकें। इसके अलावा जो लीकेज है, चाहे वो घरों में हो या आपके ड्रेनेज आपके सिस्टम्स में लीकेज हो, उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हाँ वो टप 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 बहता रहता है पानी, लोग ख्याल ही नहीं करते, बहुत ज़रूरी है और वो ज़ाया हो जाता है। तो आप उसको ज़िम्मेदारी के साथ आज ही, क्योंकि रमज़ान भी हैं और हमारी इस्लामिक प्रीचिंग भी है और आज के दिन की अहमियत भी है, तो एक पहले तो फटाफट जाएँ काम करें, इस प्रोग्राम के बाद अपने प्लम्बर को बुलाइए और अपने नलकों को और अपने ड्रेन को फिक्स करा लें ताकि पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए। क्या बात है। और भी हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, आइए चल के वो भी देखते हैं, शायद किसी की बात समझ में आ जाए, दिल को लग जाए। हाँ बिन मोल नहीं अनमोल है ये, लाइसेंस परमिट लाजिम ठहरे, अब कोई भी असर ताकत से इसे जेरे जमीन से ना कीजिए, अब कोई भी चोरी कर ना सके, इसे अपनी जमीन तक ना मोड़े। मुल्क भर में बारिशें ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर बनाती हैं, मगर जब बारिशों में कमी आती है तो ज़ाहिर है उस ज़खीरे में भी कमी आती है, और जब ज़रात और शहरी ज़रूरियात के लिए उस पानी को बेदरी खींचा जाता है तो पानी इस तेज़ी से ज़मीन में भी ख़त्म हो जाता है और इंसान पानी के लिए तरसता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हम सबको मिलके इसके बारे में सोचना है। इस गर्मी के मौसम में पानी की बचत करने की कोशिश कीजिए, नल खोल के पानी जाया मत कीजिए, मग से हाथ मत धो लीजिए। लॉन मत सजाइए, गाड़ियां रोज मत धुलवाइए। अगर हम लोग पानी जाया करेंगे तो मेरी और आपकी वजह से बहुत से लोग प्यासे रह जाएंगे। पानी एक खजाना है, पानी एक खजाना है। एक सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ और अप्रिशिएट करना चाहती हूँ सीमा ताहिर और ताहिर खान साहब, खाली ये जो मैसेजेस हैं ये आज के नहीं हैं, ये मुस्तकिल अपने चैनल्स पे इस किस्म की एक सोशल सटायर के तौर पे ये कर रहे हैं। और मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी बात है कि पानी की और दूसरी चीज़ों की आगही। और मैं अगेन आई एम वेरी प्राउड ऑफ सीमा ताहिर के मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ और इस चैनल के साथ
इस रमज़ान नशियात में जहाँ हम इतने इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए कितनी खूबसूरत मैसेजेस और चीज़ों के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू हमें इस काम के लिए चुनने बात सिर्फ इतनी है। देखें ये सारी जो आप बातें करती हैं ना, ये एहसास की बात जी। और एज अ मुसलमान मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा तलकीन यही की गई है कि आपने एहसास करना, किसी भी हवाले से हम अगर बात करते हैं। देखें ये जो रोज़े रखे जाते हैं, ये आपके अंदर जो एक एहसास जगाने की कोशिश है, वो एहसास कि कहीं पे कोई इंसान पूरा साल किस भूख और प्यास के साथ दिन गुजारता होगा, किस मुश्किल के साथ उसकी ज़िंदगी गुजर रही, किस तकलीफ़ के साथ वो अपना दिन बसर करता होगा, और जब उसको खाना मिलता होगा पूरे दिन की मेहनत के बाद तो उसके दिल में क्या। तो ये एहसास जगाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी मिसालें दी हैं, ठीक है ना। तो वो लोग अगर अंडरस्टैंड करें, देखें जब हम हज पे जाते हैं, हज में आप बेसिकली कितना कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी नहीं, असल तो मुशक्क़त है। वो जो एक मुशक्क़त है वो आपने पूरी करनी है। सो आप अंडरस्टैंड करते हैं उन लोगों के लिए कि यार मुझे अल्लाह की खुशनुदी पाने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कितनी मुशक्क़त की ज़रूरत है। सो आम ज़िंदगी गुजारने के लिए हम वो छोटी छोटी मुशक्क़त क्यों नहीं करते, हम वो छोटी छोटी बातें हैं जो एहसास हैं, जो तकलीफ़ हैं, जो लोग जिन चीज हम, मैंने देखा है लोगों को हाथ धोते हुए पानी खोला, गीले किए हाथ, साबुन लिया, अब वो धो रहे हैं। ये मैंने कई दफ़ा मॉल्स में देखा है लोगों को, तो मैं जाके नलका भी बंद कर देता हूँ। इसीलिए दुनिया भर में अगर आप देखें, दुनिया भर में ऑटोमेटिक जो ये नलके हैं ये लगा दिए गए हैं, आप हाथ करते हैं सेंसर के साथ पानी आता है, आप हाथ हटाते हैं पानी बंद हो जाता है, इसी वजह से कि पानी ज़ाया ना हो। वरना ये लोगों की आम रूटीन है कि वो पानी खोलते हैं वो, अच्छा हम चूँकि जो लोग पानी ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं वो फिर भी थोड़ा ख्याल कर रहे होते हैं कि यार हमने ख़रीदा हुआ है। मैंने दूसरे शहरों में देखा जो जहाँ पानी के अभी इतने मसाइल नहीं है, वहाँ पे ये रूटीन है, ब्रश कर रहे हैं, ब्रश आप एक डेढ़ मिनट करते हैं, ठीक है, आप ब्रश कर रहे हैं, नलका खुला हुआ है, आप अगर इतने से गिलास में पानी भरें, उसको पानी को यहाँ रखें, आप ब्रश करें, उसी से कुल्ली कर लें, कितना मुश्किल है ये, बहुत आसान है, कितनी आसान चीज़ें। आप कितना लोगों को, मैंने गाड़ी कल जो मैं बकवास कर रहा था वो यही था, मैंने लोगों को गाड़ी देते हुए देखा है, पाइप लगा हुआ है, लगे हुए हैं, 100-100 लीटर पानी जो है वो आप ज़ाया कर रहे हैं, एक बाल्टी में जो है बड़े आराम से गाड़ी धुल जाती है भाई, 15-18 लीटर पानी लगता है एक बाल्टी के अंदर, पूरी गाड़ी धुलती है, बड़े आराम से धुलती है, ऊपर से वो पानी आप पूरा ज़ाया कर देते हैं, पूरा का पूरा पानी सड़क पे पड़ा हुआ है, वो वहाँ पे कीचड़ बन रहा है, वहाँ पे लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। तो भैया ये सिर्फ इस्तंजा करते हुए सांस नहीं खींचनी है, और भी बहुत सारे मौक़ों पर अपने आप को रोकना है, समझें इस बात को। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और मेरे ख्याल एक छोटा सा वादा अपने नाज़रीन के साथ कि इस रमज़ान में अगर हम एक छोटा सा मैसेज ये है कि आज के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि पानी को ज़ाया होने से बचा जी सके। और ये मैं जो अभी बात कर रहा था वो किस रेफरेंस में थी, वो तो अगर कोई साइंसदान जब सुन रहा है तो वो तो परेशान ही हो गया इस बात पर। बट ऐसे भी चीज़ों को ना वायरल ना किया करें, हर चीज़ को आप लोग वायरल कर देते हैं, ये बेकार चीज़ों को तो ख़ास तौर से वायरल ना किया करें, अच्छी बातों को आगे बढ़ाया करें, जो लोग सही बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं, उन बातों को आगे बढ़ाया करें। खुदा के वास्ते जो कोई फजूल बात आती है आप पागलों की तरह उसको वायरल करना शुरू करते, तो भाई लोग अच्छी बातें भी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना पानी बचाओ, ये करो ना सबको, ये सबको भेजो, सबको बोलो यार पानी बचाओ, और आसान है, कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना। अभी मैं कोई बकवास करूँगा वो इतनी वायरल होगी जिसकी कोई हद नहीं होती। अभी हम 10 दफ़ा बोलें, 100 दफ़ा बोलें कि जी पानी बचाएं पानी बचाएं, ये नहीं वायरल होना, ये आपने किसी को नहीं भेजना, मज़ा नहीं है ना इसमें, कोई इसमें शुगल नहीं है। शुगल लगाना बंद कर दें, एहसास करना शुरू करें, आने वाले वक्त में पानी नहीं होगा, जंगे पानियों पे होंगी, ये तेल वेल गया तेल लेने, ये लिखा हुआ है, आने वाली जंगे पानी पे होंगी, पानी पे, और शुरू हो गई है, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड शुरू हो गए सुबह में रीजनली चीज़ों के साथ, समझें तो इस बात बढ़े को। तो मेरा ख्याल है आज आप सारे मिलके अपने घरों के नल ठीक करा लीजिए, दांत ब्रश करते हुए नल बंद करिए, कोशिश करें बाल्टी से शावर ले लें जो स्टैट्स बताई गई है। ये मैसेज आज के दिन के लिए, और इस वादे के साथ इस पे अमल ज़रूर करेंगे, आज के दिन के लिए नहीं, हर 365 डेज के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, कल मुलाकात होती है आपसे।